अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है इसको जरूर दबाइएगा, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। अगर सब्सक्राइब किया है तो ये टिंग 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 वाला बेल बटन आता है ना, इसको जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है वेडनेसडे, तो आज मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 10 बज रहा है तो 10 बजे से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज थोड़ा लेट करके भी उठी क्योंकि आज स्वीटी स्कूल भी नहीं गई, क्योंकि वो बोल रही थी नहीं मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, आज थोड़ा सोना है, क्योंकि शायद उसको बहुत टायर्डनेस हो रहा था इस वजह से, क्योंकि मॉर्निंग स्कूल है ना। अभी हैबिट डालने में एक महीना तो टाइम लग ही गया, तो एब्सेंट बहुत कम करती है उसकी खुद की वजह से, क्योंकि उसको स्कूल हमेशा रोज ही जाना है। उसको अगर किसी दिन ना बोलो ना जो आज मत जा स्कूल, तो वो रोने लगती है, लेकिन आज बोला नहीं आज मैं नहीं जाऊंगी, आज मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मैंने सोचा नहीं छोड़ा, छोटी बच्ची है मैं उतना प्रेशर भी नहीं डालती, इस वजह से मैं भी थोड़ा लेट करके उठी। और अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट भी करूंगी, मम्मी तो उठ के नहा भी लिया, और आज वेडनेसडे मैं कैसे करके स्पेंड करूंगी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो पहले ब्रेकफास्ट से शुरुआत करते हैं, और गुड मॉर्निंग आप सबको, और आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, मेरी सारी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। चले तो पहले शुरू करें। और इसमें मैंने डाला पनीर और चाट मसाला। और अभी मेरा एक वीडियो पब्लिश हो गया, तो 12 से ऊपर हो गया, 12:30 ऑलमोस्ट बजने लगे हैं। तो अभी मैं खाना बनाने जाऊंगी, आज कुछ बनाऊंगी, पालक की एक सब्जी बनाऊंगी, तो वो मम्मी अलग टाइप का बनाती, मैं मम्मी का आज बना के खिलाऊंगी कैसा बनता है। स्वीटी भी अभी नहा के आ गई, उसका नहाना हो गया, और मेरा तो मॉर्निंग में एक बार नहाई, लेकिन उसके बाद क्या होता है गर्मी तो लगता ही है ना,
तो इस वजह से पहले मैंने सोचा नहीं खाना बना लूँ उसके बाद फिर से नहाऊंगी। मैं तो 5-6 बार नहाती हूँ दिन में, क्या करूँ इतना गर्मी। और अभी मैंने बाल को भी ऊपर कर लिया, बहुत गर्मी लग रहा है। पहले किचन पे घुसे, तंदूर हो गया किचन। और अभी मेरा पैन गर्म हो चुका है तो इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। और मस्टर्ड ऑयल पे मैं सूखी मिर्च और कलौंजी सौंफ और मेथी दाना डालूंगी थोड़ा सा। और उसमें पोटैटो मैंने क्यूब करके काट के रखा है, ये डाल दूंगी। और इसमें मैंने बाल पापड़ी और रेड पम्पकिन मैंने काट के रखा है। बाल पापड़ी इस टाइप का होता है और रेड पम्पकिन भी थोड़ा सा मैंने काट के रखा है, ये भी डाल दूंगी। और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी। और देखिए मेरा सब्जी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। और इसमें मैं डालूंगी पालक, पालक को काट के पहले धो लिया मैंने। मैंने ब्लैक मस्टर्ड और अदरक मैंने पीस के रखा है। ब्लैक मस्टर्ड पीस के मैंने उसको छान लिया क्योंकि मेरे पास येलो मस्टर्ड नहीं था, इसलिए मैंने ब्लैक मस्टर्ड लिया। ब्लैक मस्टर्ड ऐसे एसिडिटी होता है इसलिए अवॉइड करते हैं। तो ये मैं डाल दूंगी, हल्दी और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। अभी इसको मैं ढक के पकाऊंगी। मसूर दाल बॉईल हो चुके हैं तो छौंक लगा दूं, सूखी मिर्च और लहसुन का छौंक लगाऊंगी। और लहसुन डाला मैंने, गार्लिक, ये भी स्वीटी को गार्लिक वाले छौंक ज्यादा पसंद है। और गार्लिक एकदम ब्राउन हो चुका है तो इसको मैं दाल के अंदर डाल दूंगी। और दाल बन चुका है तो गैस को भी ऑफ कर दूंगी। अभी बॉयल हो रहा है तो अभी इस टाइम पे मैं तेज पत्ता को जस्ट इस हिसाब से तोड़ के मैं डाल दूंगी क्योंकि तेज पत्ता की खुशबू सब्जी के अंदर जाएगा। मैं कभी कभार छौंक में डालती हूँ, कभी कभार नहीं डालती हूँ। तो ये ढक के और भी बॉयल हो गए। और मेरा सब्जी पक चुका है, जो पानी है एकदम रिड्यूस करना है। सूखी मिर्च था उसकी वजह से थोड़ा तीखा भी हुआ है तो मैं थोड़ा सा शुगर डालूंगी बैलेंस करने के लिए। और थोड़ा सा सॉल्ट क्योंकि सॉल्ट थोड़ा कम हुआ है। सब्जी बन चुका तो गैस को ऑफ कर दूंगी। ये इस टाइप का हुआ है, पालक की सब्जी जैसा, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है, एकदम डिफरेंट टाइप का है। अभी मेरा नहाना भी हो गया और कपड़ा कुछ सुखाने देना तो वो भूल गई थी, वो भी दे दिया। गर्मी, बाप रे बाप। मम्मी बोली यहाँ का गर्मी ज्यादा है ना मम्मी, यहाँ का गर्मी ज्यादा है, यहाँ का गर्मी ज्यादा है। यहाँ का गर्मी एक्चुअली चिपचिपा वाला गर्मी, मतलब ड्राई गर्मी। थोड़ा घर पे बैठ के और आप फैन के नीचे बैठो तो कुछ हो सकता है। यहाँ पे फैन के नीचे बैठो या बिना फैन का भी बैठो, कुछ कुछ मतलब एक ही जैसा ही लगेगा। या बाहर रहो, एसी चलाएगा। हाँ एसी चलाएगा तभी तो, मैंने अभी एसी चलाया। बाप रे बाप, नहाने के बाद नहीं तो और फिर से भीग जाऊंगी, फिर से नहाना पड़ेगा। Thank you.
मसाले भी बहुत टेस्टी बनते हैं। मम्मी कैसा लगा? अच्छा लगा। मम्मी पूछ रही है कैसे लगा बनाते। मम्मी अलग टाइप का बनाते, वो किसी और दिन से आ गई। मम्मी भी बहुत अच्छा बना, दिखने में ऐसे ही दिखने में सेम सेम जैसे लेकिन टेस्ट अलग अलग होता है क्योंकि मसाला अलग अलग पड़ता है ना। और ये सांतर को तो बहुत पसंद है, उसको तो पूरी 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 बोल ही दे तो वो खा लेते। और अभी हमारा खाना खाना भी हो गया और अभी बज रहा 2:40। तो अभी मैं थोड़ा एक एडिटिंग का काम है, कल का जो वीडियो है वो कर लूँ और इसके बाद थोड़ा सा सोऊंगी। इसके बाद सोच रही हूँ बाहर जाना है, कुछ सामान लाना है, तो पहले ये काम कर लूँ। और अभी हम लोग चाय पी रहे हैं और बज रहे हैं 6:00 बज गया क्योंकि मैं थोड़ा सो गई थी, एडिटिंग किया उसके बाद सो गई थी और बाहर जाना का प्लान तो कैंसिल हो गया। कल नहीं तो परसों जाऊंगी, मम्मी का कुछ सामान खरीदना है। और मैं क्या देख रही हूँ, पास्ता रेसिपी। छोटी बोली पास्ता बनाओ, आज नहीं बनाऊंगी, आज कौन बनाएगा पास्ता। लगता है ना सैटरडे संडे या फ्राइडे छुट्टी के दिन बनाना है। और ये मम्मी ने तो पापड़ वो लाया ना उस दिन दिखाया था, ये ऐसा वाला पापड़ साबुदाना के या किसका पापड़ होता है, ये ऐसा वाला पापड़। ये पापड़ फ्राई किया तो मुझे तो इतनी सारी सा मिला, सारे ने तो खा लिया, मेरे पास कितना 5-6 मिला, ये तो इसने खा लिया मेरे पास, तो यही 2 बचा हुआ। चाय पीना तो हो गया और अभी मैं थोड़ा नीचे जा रही हूँ, मम्मी नीचे गई है, थोड़ा गार्डन पे घूम लूँगी क्योंकि काफ़ी दिन हुआ है नहीं गए। तो स्वीटी तो खेलने जा रही है, मैं बोले मैं भी जाऊँ ना क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है ना, मेरा टाइम भी नहीं मिलता है, तो आज थोड़ा फ्री हूँ क्योंकि मेरा एक एडिटिंग का काम था वो हो गया, तो मैं थोड़ा नीचे घूम के आती हूँ। अगर पॉसिबल होता है तो मैं शूट करूँगी क्योंकि अंधेरा अंधेरा हो गया मुझे लग रहा है, क्योंकि 7 बज गया, एकदम पक्का 7 बज गया, तो पहले घूम के आते हैं। मम्मी तो घूम रही है, मम्मी बहुत घूम लिया शाम से और मैं चाय पीते पीते लेट हो गया। और हमारे पार्क है यहाँ पे, हाँ वहाँ पे स्वीटी खेल रही है, तो अंधेरा है वहाँ पे, यहाँ पे सामने लाइट है ना, इस वजह से मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। और हमारे घर है उस तरह वहाँ पे, तो लेकिन अंधेरा हो गया, किसी और दिन शेयर करूँगी। सामने रोड है, काफ़ी आवाज़ आएगा आपको। मैं तो आ गई कब का 7:30 अभी बज रहा है 9:00 और मैं आप सबके सारे कमेंट्स देख रही थी और रिप्लाई दे रही थी। ढेर सारे कमेंट, हम बहुत मज़ा आ रहा था पढ़ने में। तो हमने सातों बोला खाना नहीं बनाना है, मैं बोला हाँ खाना बनाना है, मम्मी तो रोटी बना ली और मेरा कभी कुकिंग बाकी है, मेरा सब्जी बनना तो पहले सब्जी बना लो क्योंकि इसके ऊपर अगर एक बार बैठ जाओ ना तो मज़ा आता है, बहुत पढ़ने में मज़ा आता है। सब आप सबका इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स मिलता है ना, तो थोड़ा बहुत एनर्जी मिल गया, एक घंटे में एनर्जी मिल गया ना काफ़ी सारे, जैसा होता है ना सोलर पावर जैसा। तो पहले चले खाना बनाने, और अभी मैं किचन पे आई हूँ खाना बनाना है। और खाना में क्या बनाऊँगी, भिंडी बनाऊँगी, ये देखो भिंडी। तो पहले भिंडी कैसे करके बनाती हूँ दिखाती हूँ। और अभी मेरा पैन गर्म हो चुका है तो इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी, और मस्टर्ड ऑयल जब गर्म हो जाएगा इसमें मैं जीरा डालूंगी 2 चम्मच, और मैंने पोटैटो को भी लंबा लंबा करके काट लिया, ये भी डालूंगी। और इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल दूंगी और इसको मैं अभी थोड़ी देर ढक दूंगी। तो ये फ्राई हो चुका है तो इस टाइम पे मैं हरी मिर्च मैंने बीच में काट लिया और प्याज अनियन को मैंने स्लाइस कर लिया, ये डाल दूंगी। ये मेरा फ्राई हो चुका है तो इसमें मैं भिंडी डाल दूंगी,
और इसके साथ धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा करके, हल्दी, सॉल्ट और मिर्ची पाउडर थोड़ा सा। और इसको मैं अभी ढक दूंगी। और देखिए मेरा सब्जी बन चुका है, मैंने पानी नहीं डाला था, इसी हिसाब से ही दो तीन बार मैंने हिला के देखा है तो थोड़ा ब्राउन ब्राउन जैसा हो गया। और इसमें अभी लास्ट में डालूंगी आमचूर पाउडर थोड़ा सा, जस्ट खट्टाई के लिए। और ये बहुत टेस्टी, आमचूर तो जरूर डालिएगा तभी वो टेस्टी होता है। और ये भिंडी बहुत टेस्टी बना है, मुझे भिंडी उतना पसंद नहीं है, सिर्फ यही वाला सब्जी पसंद है। कैसा बना? अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भिंडी एकदम भी पसंद नहीं है, ठीक है, यही वाला भिंडी अच्छा लगता है, थोड़ा खट्टा खट्टा खा। और अभी हमारे खाना खाना तो हो गया, मैं देखो हाथ पे क्या लिया, जो फेस पैक का पाउडर मैं मिक्स करके रखती हूँ, हल्दी और मुल्तानी मिट्टी का, उसमें दही मिला के फेस में लगा लूँगी, क्योंकि आज सुबह से मैंने फेस पैक लगाना भूल गई, तो ये ऑलमोस्ट फेस पैक और फेस वॉश का भी काम हो जाएगा। और ठंडा ठंडा मैं हमेशा फेस वॉश यूज़ नहीं करती, इस हिसाब से हाथ में बेसन लगा के, दही लगा के, ऐसा करके मुँह को वॉश फेस वॉश जैसा कर लेती हूँ। और मेरा फेस थोड़ा ऑयली ऑयली लगेगा आपको, जो ऑयल है ना कुमकुम आदि वो लगा है, तो उसके लिए आपको मेरी नाइट स्किन केयर रूटीन देखना पड़ेगा, डिटेल्स में आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। और स्वीटी और मम्मी तो सो गई, और अभी बज रहा है 11:05, तो आज थोड़ा जल्दी भी हो गया सब कुछ, लेकिन कहाँ हुआ, मेरा अभी काम है, अभी जो वीडियो हो रहा है इसको थोड़ा एडिट कर लूँगी, नहीं तो कल के लिए बहुत काम ज़्यादा हो जाएगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन नीचे होता है। अभी मिलते हैं कल के और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।